बेलगाम शहर में कोरोना पॉजिटिव केसेस का ग्राफ ऊपर जाता हुआ आज फिर से 5 कोरोना वायरस पॉजिटिव दर्ज किए गए। पेशेंट नंबर 127 से वायरस के फैलने की खबर। मीडिया हवाला जात के जरिए क्वारंटीन को लेकर उठते हुए सवाल की वजाहत करते हुए DCSP बोमनहली ने कहा कि चाहे अस्पताल हो या होटल्स, हमने हुकूमत की हिदायत को ध्यान में रखते हुए बड़े एहतियात के साथ काम किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने ट्वीट करते हुए कहा कि ICMR बेलगाम शहर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिटेंशन लैब को मंजूरी दे दी है। केली के सामने ICMR में इसको शुरू करने के इम्कान। कोरोना वायरस से लड़ाई में इमदाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मरकजी वजीर सुरेश अंगड़ी और बेलगाम नॉर्थ के MLA अनिल बेनके की क्यादत में विमल फाउंडेशन के चेयरमैन किरण जाधव ने गरीब जरूरतमंदों को राशन किट तकसीम किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकीहोली ने भी काकती, हत्तरकी, हुदली जैसे कस्बों में जाकर गरीब जरूरतमंदों को राशन किट और सब्जियां तकसीम की। साथ ही साथ मस्जिद अक्सा सौंदती के सहन में रहमान फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते गरीब मुस्तहक लोगों तक राशन किट पहुंचाने का काम किया, जिसमें बैलहंगल के AC शिवानंद भजंतरी, सौंदती शहर के तहसीलदार प्रशांत पाटिल, म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर KI नागनूर, बेडसुर के स्वामी जी और सौंदती शहर के दिगर बड़े लोग मौजूद थे।